आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल एफएस ज्ञान में। जैसा आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है और इसके जो विकल्प ए बी सी डी है उसमें से एक करेक्ट आंसर है, इसे हमें प्राप्त करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। जहां पर गुना है, यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो हमें बोर्ड मार्क से ट्राई करना पड़ेगा। साथ ही साथ देखते हैं यहाँ घातांक संख्या है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घातांक का नियम भी लागू यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट पर इसका आंसर भेजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो में इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा, हम बोर्ड मार्क यहाँ पर करेंगे, सॉल्व स्टार्ट करना है। तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 2 है ना, तो यहाँ पर जरूर है ये किसी न किसी का 3 बार गुना है। ये कैसे मैं कह दिया कि यहाँ पर √3 है, वो 3 घर है ना, तो ये भी किसी न किसी का 3 बार गुना है, ये क्लू है। यहाँ देखेंगे ये 4 क्या है, यहाँ पर 4 × 2 है, 5 है, तो यहाँ पर इसको किससे गुना करेंगे, पूर्णांक बन जाए तो 4 से गुना करेंगे या 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किसका 2 बार गुना है, 2 का है ना। इस तरह से यहाँ पर हम घातांक के नियम की लागू करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2, 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, पूरे की घात हो जाएगा यहाँ से √2/3। ये हो जाएगा हमारा डॉट माने गुना और 4 × 4 क्या लिखेंगे, 2 × 2, ये हो जाएगा पूरे की घात 0.5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाना है यहाँ से, यहाँ पर घातांक का नियम मैं बता दूं आपको कि अगर एक ही घात ऋणात्मक हो, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक ही घात ऋणात्मक संख्या हो तो ये क्या हो जाता है, 1/1 ही घात धनात्मक घात, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/10 ही घात 1, 1/10 ही घात 1, मतलब यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया भाग का चिन्ह हो गया। फिर आगे पैसे बढ़ेंगे तो ये वही नियम से, इसी नियम से ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 1/5 हो जाएगा। चलिए आगे स्टेप पर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 कितनी बार गुना हो रही है, 3 बार हो रही है, तो 2 की घात 3 और पूरे की घात क्या करेंगे यहाँ पर, √2/3 करेंगे, ठीक है। गुना यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2 और पूरे की घात कितना है, 0.5 है, ठीक है। धन अब यहाँ पर देखते हैं हम बोर्ड मास का नियम लागू करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड मास लिख देते हैं यहाँ पर, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया बोर्ड मास, तो यहाँ पर ब्रैकेट है क्या हमारा, कोई भी ब्रैकेट नहीं है, है ना, ये तो अकेला ब्रैकेट है, ब्रैकेट से तो कुछ नहीं, तो ब्रैकेट सॉल्व पहले करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ माने गुना, तो गुना भी तो नहीं है, ब्रैकेट के अंदर का गुना, ब्रैकेट से लगा हुआ गुना, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ चले गए हम, डिविजन भाग है ना, तो भाग को हल करेंगे, इसको पहले हल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाग का जो भिन्नों को भिन्न से भाग करते हैं ना, तो सिंप्लीफाई सरल तरीके से हल करने के लिए भाग को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं, और ये जो दूसरा जो भाग देने वाला होता है, भाजक जो होता है, उसको हम अंश को हर में और हर को अंश में अल्टरनेट चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5/1 हो जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, घातांक का नियम लागू होता है अगर घात की घात हो, है ना, तो देखते हैं कौन सा नियम है घातांक का नियम। अगर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अगर घात की घात हो, एक ही घात एन हो और पूरे की घात एन हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो इसका इसका क्या हो जाएगा सेंस, ए की घात एन गुना एन, ये वैल्यू हो जाएगी। तो चलो यही अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं, तो 2 की घात 3 × √3 हो जाएगा, ठीक। गुना यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 की घात ये और ये आपस में गुना हो जाएगा, तो ये 2 × 0.5, ठीक है। अब इसको चलो हल कर देते हैं, है ना, तो 5 की बार में ये 2 बार में गया, ठीक है। अब अंश का अंश से गुना, हर घर का गुना करेंगे, ठीक है, जो कि अब मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे ना यहाँ से, तो कर देते हैं यहाँ से, 1 × 1 का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 × 2 क्या हो जाता है, 2 करेंगे, ठीक है। चलिए 1 गुना का जो यहाँ पर बचा हुआ है ना, बोर्ड मास के नियम से ही, उसे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 3 के पहाड़ में 1 बार में अंश है, ये घर है, कट गया ना, तो √2 क्या आ गया यहाँ से, √2, ठीक है। गुणित 2 की घात क्या आ गया यहाँ से, 2 को जब 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1.0, है ना, तो 1.0 मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1, ठीक है, चलो 1.0 लिख देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम अप्लाई करेंगे, तो ये दोनों का बेस क्या है, एक समान है ना, आधार एक समान है, तो घातांक का नियम क्या कहलाता है, घातांक का नियम, कि अगर आधार एक समान है, 1 ही घात n और 1 ही घात n आधार समान है, गुणा कर है, तो दोनों ये क्या होते हैं, घाते प्लस हो जाती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 ही घात m + n, सेम ऐसे यहाँ करना है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, तो यहां से क्या हो जाना है, दो की घात, ये हो जाएगा हमारा दो की घात ऋण दो, है ना, बेस समान है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ऋण दो धन 1.0 मतलब एक, क्लियर ना, और प्लस यहां से हो जाएगा 1/2। अब यहां से ऋण दो धन एक क्या हो जाएगा हमारा, ऋण एक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। अभी हमने फर्स्ट नियम पढ़ा है, यहां से फर्स्ट नियम क्या कहता है कि एक ही घात ऋण एक हो तो क्या हो जाता है, 1/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहां से 1/2 हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो आप प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, गुडमास के नियम में एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, जोड़ देते हैं, ठीक है, दो भिन्नों को ऐसे जोड़ते हैं जब हर एक समान हो तो एक बार ले देते हैं, है ना, और अंशों को जोड़ देते हैं, या सीधा क्या है, आधा धन आधा कितना होता है, हाफ प्लस हाफ 1 यूनिट, है ना, तो ये हो जाएगा 1 इकाई, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है 1, तो इस तरह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे। दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।